तो यहाँ पर मेरे पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर इस प्रकार की जो ऐड है इसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको बंद कर लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो पीसी है इसके अंदर क्रोम को ओपन करना है। इससे पहले यहाँ पे ये जो ऐड है इसको मैं यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके हटा लेता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो क्रोम है इसके अंदर यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको ये जो थ्री डॉट दिखे दे रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग मिल जाता है, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ये जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको लिखना है साइट सेटिंग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पे हम साइट सेटिंग लिखते हैं तो उसके बाद हमें नीचे साइट सेटिंग का जो ये ऑप्शन मिल जाता है हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे आना है और नीचे जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डोंट पे क्लिक कर लेना है, मतलब अब यहाँ पे किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन नहीं आए। इसके बाद बैक जाना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है पॉपअप, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप ऐड का ऑप्शन मिलता है। तो आपको इसको भी यहाँ पे डोंट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार के कोई भी एड्स के यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बंद कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।